हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे दीवार की हालत, और ये हर घर की हालत होती है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ये पूरे दीवार में किसने किया है, पेन से किया है, क्रेयॉन से किया है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एकदम सिंपल और बहुत ही जल्दी इजी सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि दीवार पर अगर बच्चे ऐसे क्रेयॉन से स्केच करते हैं तो उसको कैसे मिटाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही सिंपल तरीका है और आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा ये तरीका। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पेप्सोडेंट है तो मैं पेप्सोडेंट लगा रही हूँ, और पूरे जगह पे लगा के, ज़्यादा नहीं लगाना है पर्टिकुलर हर जगह पे नहीं, पर थोड़े थोड़े गैप में लगा के इसको एक 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद एक वेट स्पॉन्ज लेके इसको जस्ट हमको अच्छे से घसना है। ज़्यादा जोर लगा के घसना नहीं है, नहीं तो डिस्टम्पर अगर वॉशेबल है तो ठीक, नहीं तो वो निकल जाएगा। तो इसको अच्छे से घस देंगे। तो घसने के बाद आप देख सकते हैं पेन के मार्क रह गए हैं, तो पेन के मार्क्स को कैसे निकालना है अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पूरे क्रेयॉन्स के मार्क्स निकल गए, पर मैंने इसको अच्छे से नॉर्मल वाटर से भी वॉश किया था, नहीं तो स्टेन रह जाता है वॉल पे। और ये कोई मेरा वॉशेबल डिस्टम्पर नहीं है, सिंपल डिस्टम्पर है जो कि निकलता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।